नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राहत। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान फ्री रेवड़ी की नई बहस छेड़ दी है। वो अलग बात है कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी भाजपा लैपटॉप स्कूटर यहाँ तक कि फ्री बिजली देने की घोषणा खुद करती रहती है, लेकिन देश की नाक दिल्ली पर सत्तासीन गैर भाजपा उन्हें हमेशा खलता रहा है, इसलिए गाहे बगाहे उनका दर्द भी बाहर आ जाता है। वही दर्द एक बार फिर बाहर आ गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। आज देश में दो किस्म की राजनीति चल रही है, एक ईमानदार राजनीति, एक भ्रष्टाचारी राजनीति।